हमारे साथ प्रोफेसर रजनी अब्बी जुड़ चुके हैं, प्रोटेक्टर लॉ एंड ऑर्डर। तो मैम, कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर अभी संभाल रहे हैं? इलेक्शन का जो रिजल्ट है सोल में राउंड पर पहुंच गया है, और कैसे संभाला जा रहा है सारा मामला? आप देख सकते हैं इस बार शायद जितनी शांति से काउंटिंग हो रही है, बिल्कुल आराम से और तरीके से हो रही है। एक भी वायलेंस का कोई केस नहीं, एक भी झगड़ा नहीं, काउंटिंग में भी किसी को दिक्कत नहीं हो रही। एक राउंड में हम 6 मशीनें खोल रहे हैं, हर राउंड में अनाउंसमेंट हो रही है, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं हो रही। अब जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा। मेरी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की थी, जो बहुत अच्छे से सब चल रहा है। तो मैम, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए क्या क्या तैनातियां की गई हैं, कहां कहां क्या क्या हुआ है? इस बार हमने पुलिस फोर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। आपने देखा हो, कल इलेक्शन था तब भी पुलिस फोर्स एडिक्वेटली इम्प्लॉयड थी, आज भी सब गेट्स सब तरफ से बंद कर दिए गए, अंदर कोई नहीं आया। ये पहली बार है कि यूनिवर्सिटी के अंदर काउंटिंग हो रही है, पहले पुलिस लाइंस में कम्युनिटी हॉल में होती थी। तो बहुत शांति से यहाँ हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमने अपना स्ट्रॉन्ग रूम भी यहाँ बनाया, जो बहुत सब कुछ तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैम, कब तक रिजल्ट का जो फाइनल डिक्लेयर हो सकता है? मुझे लग रहा है कि 6 बज जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, प्रॉक्टर लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे इस समय जो डूसू चुनाव की काउंटिंग है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए क्या क्या कहां लगाया गया है, कैसे सिचुएशन को संभाला जा रहा है ताकि जो रिजल्ट है वो बच्चों तक पहुंच सके। कैमरामैन अभिषेक बई के साथ अनमोल नाथ थब्बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।